हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 फार्माकोग्नोसिस चैप्टर नंबर 7 का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे होम्योपैथी। काफ़ी फेमस है होम्योपैथी आयुर्वेदा की तरह इंडिया में। तो आओ देखो होम्योपैथी क्या है, कहाँ से आई है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या हो रहा है, क्या कह रहा है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथी इज द स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ थेरापेटिक। थेरापेटिक मतलब ना ट्रीटमेंट करने का एक खास सिस्टम है, डेवलप्ड बाय डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनेमन। है ना, हैनेमन नाम ही सुना होगा। 1755-1843 अ जर्मन फिजिशियन, जर्मन के रहने वाले थे, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, देखा होगा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ जर्मन होती है ना, बोलते हैं इस तरीके से। फिजिशियन थे, केमिस्ट थे, केमिस्ट जैसे कि फार्मेसी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी केमिस्ट बन जाएंगे, एंड अ फार्मासिस्ट बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। होम्योपैथी किसमें बेस्ड थी? नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग। हील मतलब ठीक करना, नेचुरली कोई चीज कैसे ठीक होती है, ठीक है, यानी कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, विच मीन्स लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। जो चीज जैसी है वो उसी वैसी ही तरीके से या उसी के तरीके से सही होगी। तो हमने जाना होम्योपैथी को किन्होंने डेवलप किया, ठीक है, कौन थे वो, उनका नाम क्या था, किसके ऊपर बेस्ड है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी नेचुरल लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। आगे देखा था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। प्रिंसिपल क्या थे, मेन सिद्धांत क्या है? डैट अ सब्सटेंस डैट ट्रिगर्स अ सर्टन डिजीज। कोई सब्सटेंस है ना, कोई भी सब्सटेंस है जो एक खास डिजीज को पैदा करता है, कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट डैट डिजीज। वही सब्सटेंस उस डिजीज को भी ठीक करेगा। सोचो जरा, सिद्धांत देखिए इसका, बड़ा जबरदस्त है। दिस इज रेफर्ड टू एज द लॉ ऑफ सिमिलर्स, है ना, सिमिलर जिसने पैदा किया वही मारेगा उसे। एज वेल एज लाइक क्योर लाइक प्रिंसिपल, क्या कहते हैं इसको, लाइक क्योर लाइक प्रिंसिपल। तो बात समझ में आ गई होगी, लॉ ऑफ सिमिलर या लाइक क्योर लाइक का मतलब क्या है। जो सब्सटेंस डिजीज पैदा करेगा हेल्दी इंसान के अंदर, वही सब्सटेंस जब वो इंसान बीमार होगा उस इंसान को ठीक भी करेगा, वही बीमारी को, ठीक है। होम्योपैथ्स ऑल्सो बिलीव, होम्योपैथ मतलब होम्योपैथी के डॉक्टर्स, ऑल्सो बिलीव डैट शेकिंग एंड डायल्यूटिंग, हिलाना और डायल्यूट करना मतलब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि तुमने क्या ले लिया है, 1 ml अल्कोहल ले लिया है, उसमें वाटर डाला 10 ml और 10 ml और 10 ml और 10 ml, ये लगातार पानी डालते जा रहे हो, वो क्या होता जा रहा है, डायल्यूट होता जा रहा है, यानी कि अब अल्कोहल की मात्रा कम होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड डायल्यूटिंग, ठीक है ना। द सब्सटेंस इंक्रीजेस इट्स पोटेंसी, तो ये लोग मानते हैं हिलाने से और डायल्यूट करने से सब्सटेंस की जो पोटेंसी है, क्षमता इंक्रीज कर जाती है। अ प्रोसेस रेफर टू एज पोटेंटाइजेशन और सक्यूशन, इस प्रोसेस को पोटेंटाइजेशन यानी कि क्षमता बढ़ाना कहा जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक बातें थी होम्योपैथी के बारे में। आओ समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। एवरी साइंस हैज सर्टन बेसिक प्रिंसिपल, हर साइंस के कुछ बेसिक सिद्धांत है ना, कुछ निश्चित सिद्धांत है, आयुर्वेदा के अपने थे, यूनानी के अपने थे, डेट गाइड द होल सिस्टम, जो उस पूरे सिस्टम को गाइड करती है, दिशा निर्देश करती है। होम्योपैथी एज अ साइंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज अ फिलॉसफी ऑफ इट्स ओन। होम्योपैथी को अगर एक साइंस ऑफ ट्रीटमेंट माने तो उसकी अपनी खुद की ही कुछ फिलॉसफी है, अपनी खुद की ही कुछ मान्यताएं हैं, एंड इट्स थेरापेटिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल। उसके ठीक करने की कार्यप्रणाली है वो कुछ खास प्रिंसिपल सिद्धांत पर टिकती है, डेट आर क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, वो काफ़ी अलग है और अलग मतलब काफ़ी अलग है और बिल्कुल कहते हैं इसे एकदम अलग है फ्रॉम दोस ऑफ अदर स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज, मतलब जो अदर सिस्टम है उनसे काफ़ी अलग है ये। दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वर डिस्कस्ड बाय हैनेमन, इनको डिस्कस किया गया था हैनेमन के द्वारा इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ हिज मेडिसिन एंड फिलॉसफी। उसकी जो मेडिसिन और फिलॉसफी थी उसमें अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस किया गया है, दे आर एज फॉलोज, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हैं कुछ, 9 है हमारे पास, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, ड्रग प्रूविंग, ड्रग डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन, वाइटल फोर्स, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज क्या होती हैं, इंडिविजुअलाइजेशन का क्या मतलब है और डायरेक्शन ऑफ क्योर। तो 9 तरीके से पूरे प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथी को कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आप समझते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलिया, ये लगभग हम समझ चुके हैं लाइक क्योर्स लाइक, है ना। होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन फाउंडेड ऑन ए डेफिनेट लॉ। होम्योपैथी एक सिस्टम है जो एक खास लॉ पे फाउंड हो रखी है, खास
सिद्धांत पर इसका क्या है स्थापना हुई है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स लाइक योर लाइक। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, जो सब्सटेंस डिजीज पैदा करेगा वही सब्सटेंस उस डिजीज को खत्म भी करेगा। द वर्ड होम्योपैथी इज अ ग्रीक डेरिवेशन है ना, वेयर होम्योस मीन्स सिमिलर। ये ग्रीक जो होम्यो वर्ड है होम्योपैथी ग्रीक से आया हुआ है, होम्योस का मतलब होता है सिमिलर एंड पैथोस का मतलब होता है सफरिंग है ना, पैथोस मतलब क्या हो गया सफरिंग जो बीमार है। सो होम्योपैथी में भी डिफाइंड एज द थेरापेटिक मेथड ऑफ सिम्टम्स सिमिलैरिटी, ठीक है, थेरापेटिक मेथड ऑफ सिम्टम्स सिमिलैरिटी, जो सिम्टम्स है और जो उससे मिलती जुलती चीजें हैं ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। इन दिस आर्ट ऑफ हीलिंग, ये जो आर्ट ऑफ हीलिंग है होम्योपैथी, द मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड जो दवाइयां दी जाती हैं टू डिजीज इंडिविजुअल जो बीमार व्यक्ति है, इज सच दैट इफ गिवन टू ए हेल्दी पर्सन, ये दवाइयां ऐसी होती हैं अगर हेल्दी पर्सन को दे दी जाए इट प्रोड्यूसेस सेम सफरिंग, ये वही बीमारी पैदा कर देगी जो डिजीज वाले आदमी को थी, एज फाउंड इन द डिजीज इंडिविजुअल। इसीलिए कभी भी होम्योपैथी दवाइयां एक हेल्दी इंसान को प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती है, लेकिन आजकल काफी मॉडिफाइड रूप में आ गई है, ठीक है, आगे आते हैं। दस द सिम्टम्स ऑफ डिजीज इंडिविजुअल आर टू बी मैच्ड विद द पैथोजेनेसिस ऑफ द मेडिसिन, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं डिजीज इंडिविजुअल के, जो इंडिविजुअल डिजीज है बीमार है उसको सिम्टम्स है, मान लो सर दर्द है, पेट में दर्द है, वॉमिटिंग वगैरह आ रही है, ये सारे सिम्टम्स मैच करने चाहिए पैथोजेनेसिस ऑफ द मेडिसिन। वो जो मेडिसिन हम दे रहे हैं अगर वो जो इन्फेक्शन पैदा करेगी, वो जो डिजीज पैदा करेगी, उसके सिम्टम्स से डिजीज इंडिविजुअल के सिम्टम्स मिलने चाहिए, तो ही हम वो मेडिसिन उसको दे सकते हैं। बात समझना, एक सब्सटेंस है मान लो कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, वो बीमारी पैदा करेगा इंसान के अंदर जाकर के। अच्छा, बीमारी पैदा करने में जो इंसान के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, उसको हम नोट कर लेते हैं। अब कभी मान लो वही सेम लक्षण किसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो यही सब्सटेंस जिसने बीमारी पैदा करी थी, अब यही सब्सटेंस उसको दे देंगे तो यही सब्सटेंस बीमारी को ठीक भी करेगा। बात समझ में आ रही है। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल आर टू बी मैच, जो डिजीज इंडिविजुअल के सिम्टम है वो मैच होने चाहिए पैथोजेनेसिस ऑफ मेडिसिन। अगर वो मेडिसिन की पैथोजेनेसिस देखी जाए, मेडिसिन जो डिजीज कॉज करेगा उससे मैच करना चाहिए, विच आर मोस्ट सिमिलर विच सिमिलिमम इज सिलेक्टेड एंड एडजस्टेड विद सर्टेनिटी टू क्योर, ठीक है ना। तो ये एक लैंग्वेज है सिमिलरिटी वाली है, लाइक क्योर्स लाइक, जो जैसा है वो वैसा ही उसको क्योर करेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, चलते हैं आगे। अब आती बात लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ सिमिलर था, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स मतलब बिल्कुल साधारण, सिंगल रेमेडी, यानी समझ रहे हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूँ, एक ही दवाई दी जाएगी, जैसे आजकल एलोपैथ में क्या होता है ढेर बांध के 8-10 दवाइयाँ दे दी जाती है ना, होम्योपैथी में एक दवाई दी जाएगी, मात्र एक, जितने सिम्टम है सबके लिए एक दवाई, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। हैनमैन इन एफोरिज्म, एफोरिज्म का मतलब होता है जैसे कि हम लोग कोई कहानियाँ वगैरह लिखते हैं तो उसमें कुछ सूक्तियाँ होती हैं जो कुछ मुहावरे टाइप के रहते हैं, तो उन्होंने वो अपने एक सूक्ति में या कह लो कि एक फ्रेज में या एक पॉइंट में, जो पॉइंट नंबर था 272-274 ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा है स्टेट्स डेट ओनली वन सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस, एक सिंगल और साधारण मेडिसिनल सब्सटेंस इज टू बी एडमिनिस्टर्ड, दिया जाना चाहिए इन अ गिवन केस ऑफ अ टाइम, एक टाइम पर। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, इसके क्या कारण है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, द होम्योपैथिक रेमिडीज वर प्रूव्ड सिंगली एंड द मटेरिया मेडिका वॉज बिल्ट अपॉन द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ ड्रग गिवन सिंगली, जो प्रूव्ड, अभी प्रूव्ड सिंगली का मतलब क्या है, हम लोगों ने जब सब्सटेंस एक हेल्दी, अभी प्रूविंग एक टॉपिक आ गया इसी के अंदर, प्रूविंग क्या होती है, सब्सटेंस होता है हम एक इंडिविजुअल को देंगे जो हेल्दी होता है, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, हम वो सिम्टम्स नोट कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रूव सिंगली, उस सिंगल दवाई के सिम्टम्स ही तो लिखे हमने, हमने कहीं भी दो दवाइयां एक साथ देखे उसके सिम्टम्स नहीं लिखे, ठीक है, तो इसलिए सिंगल दवाई के ही सिम्टम्स नोट होते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा ये सारे सिम्टम्स हैं वो इस दवाई के सिम्टम्स से मैच करते हैं, दे दो। दूसरा, एंड द मटेरिया मेडिका वॉज बिल्ट अप, और जो इसका एक कह लो कि जैसे कि हम लोगों की इंसाइक्लोपीडिया होती है, तो होम्योपैथी की जो इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है, मटेरिया मेडिका वॉज बिल्ट अप, वो बनी हुई है ऑन द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑफ ड्रग्स गिवन सिंगली, ड्रग्स के उन इफेक्ट में जब हम उस ड्रग को सिंगल देते हैं, मतलब कि एक टाइम पे एक हेल्दी आदमी को एक सिंगल साधारण एक सब्सटेंस दिया जाएगा, दो एक साथ नहीं दिए जाएंगे, वरना पता नहीं चलेगा ये इफेक्ट ए का है या किसी दूसरे का है, ठीक है ना। तो ये जो मटेरिया मेडिका है, जो इंसाइक्लोपीडिया होम्योपैथी की, वो भी सिंगल ड्रग के ऊपर ही डिपेंड है, सिंगल ड्रग के सारे सारे इफेक्ट नोट हो रखे हैं, आइदर इन प्लांट
प्रूविंग और इन एक्सीडेंटल प्रूविंग, ठीक है ना। ये बिल्डअप हो रखी है, या तो हम प्लान करके देते हैं कि हाँ तुम हेल्दी हो, आ जाओ, तुम्हें ये सब्सटेंस देंगे, तुम्हारे सिम्टम्स नोट करेंगे, या कई बार एक्सीडेंटली बाई चांस किसने खा ली तो सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, है ना भाई। होम्योपैथिक है कोई, है आसपास सराउंडिंग के लोग, किसने गलती से दवा खा ली है, वो तो हेल्दी इंसान ने खा ली तो उसका सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें नोट कर ली गई हैं किसके अंदर, इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो सिंगल सब्सटेंस क्यों दिया जा रहा है, उसकी पहली कहानी। ओनली वन रेमेडी कैन बी मोस्ट सिमिलर एट एनी गिवन टाइम टू द कंडीशन ऑफ एनी गिवन पेशेंट। एक रेमेडी ही सबसे ज़्यादा सिमिलर होती है, यानी कि एक रेमेडी के द्वारा, एक सब्सटेंस के द्वारा जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो सबसे ज़्यादा सिमिलर होते हैं किसी भी पेशेंट की कंडीशन से। एक से ज़्यादा दो कभी सिमिलर नहीं होंगे। मोर ओवर इस और अगर इफ़ मोर देन वन रेमेडी इज यूज, रेमेडी मतलब उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, तो डॉक्टर विल नेवर नो विच एलिमेंट वॉज क्यूरेटिव एंड आवर सोर्स ऑफ फ्यूचर गाइडेंस टू ऑब्सक्योर। पता नहीं चलेगा, दो दे दिए एक साथ, अब किसने ठीक किया पता नहीं चल रहा है। हम पता नहीं चलेगा तो उसको नोटिस भी नहीं कर पाएगा भविष्य के लिए कि हाँ भविष्य में कभी ऐसा होगा किसी के साथ तो हम उसको देंगे, तो इसीलिए हमेशा सिंगल दी जाती है। बात समझ में आ रही है? और क्या बोल रहा है, इफ मोर देन वन ड्रग इज गिवन इन अ वन प्रिस्क्रिप्शन द पॉसिबिलिटी ऑफ सिनर्जिस्टिक एक्शन। सिनर्जिस्टिक एक्शन क्या होता है कि एक दवाई दूसरी दवाई को सपोर्ट करती है, डेट इज कॉल्ड सिनर्जिस्टिक एक्शन। तो मान लो इस दवाई की क्षमता कम थी, इसकी भी कम थी, दोनों मिलकर बड़ी क्षमता दे रहे हैं, है ना, ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो सिनर्जिस्टिक एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सिनर्जिस्टिक एक्शन को रूल आउट नहीं कर सकते, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिनर्जिस्टिक एक्शन नहीं है, है ना, कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी आर्ग्यू डैट द इफेक्ट विल बी द सम टोटल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सेपरेट ड्रग। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो इसका इफेक्ट है ये सम टोटल है, मिला जुला असर है दोनों ड्रग का मिला करके, ठीक है। यानी कि यहाँ सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि इसको लाइन में, कि जो इफेक्ट आएगा वो संभावना, बहुत ज़्यादा संभावना दो ड्रग का मिल करके आया हो, सिंगल ड्रग का इफेक्ट ना हो। आगे आते हैं, द इंग्रीडियंट ड्रग मे इवन रिजल्ट इन इंट्रैक्शन डैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। अब दो ड्रग आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं, उसका बॉडी पर दूसरा बुरा असर पड़ेगा। अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन रेमेडी इन अ सिंगल डोज वुड कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू रेमेडी विच वुड रिक्वायर टू बी प्रूव्ड एज सच फॉर प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ इट्स प्रोबेबल इफेक्ट। तो कह रहा है कि अगर दो को मिलाएंगे, यानी कि दो सब्सटेंस, याद है ना, सब्सटेंस जो डालते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज पैदा करते हैं। अब दो डिजीज पैदा करने वाले सब्सटेंस को जब किसी को दे देंगे तो कुछ नए टाइप के सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे जो कि हमको पता होना जरूरी है, और अगर नहीं पता है तो हम वो दो सब्सटेंस एक साथ नहीं दे पाएंगे। मिक्सचर मोर देन वन रेमेडी इन ए सिंगल डोज वुड कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू रेमेडी, एक नई रेमेडी बन जाएगी वो, विच वुड रिक्वायर टू बी प्रूव, उसको प्रूव करना, प्रूव करने का मतलब है हमें ये जांचना जरूरी है कि दोनों देने से क्या क्या बीमारियां या क्या क्या सिम्टम्स पैदा होते हैं, ठीक है, फॉर प्रॉपर एस्टिमेट, ताकि पता लग सके उसका प्रॉपरली ऑफ इट्स प्रोबेबल इफेक्ट, और उसके असर का पता लग सके। तो इसीलिए ये सारी वो कहानियां कि हम क्यों दो दवाइयां एक साथ दें, सिंपल एक दवाई देंगे एक टाइम पर किसी डिजीज को ठीक करने के लिए, क्लियर है। आगे आते हैं लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है, तीसरा आ गया। मिनिमम मतलब कम से कम, जितना कम हो सके। द सूटेबलनेस ऑफ ए मेडिसिन फॉर एनी गिवन केस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एक्यूरेट होम्योपैथिक सिलेक्शन अलोन। बट कह रहा है कि किसी मेडिसिन की सूटेबलनेस, कि कितना सूट करेगा, ठीक है, ये केवल उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि हाँ यही सबसे ठीक है, बल्कि बट ऑन द प्रॉपर साइज ऑफ डोज, डोज कितना दिया जाना है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, डोज का साइज उस पर भी डिपेंड करता है। अंडर दिस प्रिंसिपल वी गिवन मेडिसिन टू द पेशेंट इन वेरी माइन्यूट डोज। और इस प्रिंसिपल के अंदर में, क्योंकि डोज का डिपेंड करता है, हम जो डोज होती है पेशेंट को बहुत कम डोज देते हैं, ठीक है ना, माइन्यूट डोज देते हैं, यही हमारा होम्योपैथी का सिद्धांत है, बहुत कम डोज दी जाती है। आगे आते हैं, द माइन्यूट डोज मीन्स डैट क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। माइन्यूट डोज का मतलब क्या है, मेडिसिन की वो क्वांटिटी विच इज द स्मॉलेस्ट इन क्वांटिटी, जो यद्यपि छोटी है क्वांटिटी में, बट प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ वाइटल फोर्स। वो वाइटल फोर्स का एक्साइटेशन मिनिमम करेगी। वाइटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, हमारे वाइटल फोर्स स्प्रिट वगैरह जो आती है, हमारी जो अंदर की एनर्जी उसकी बात करता है ये, उसका तो लीस्ट एक्साइट करेगी एंड येट सफिशियंट, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी हमारी एनर्जी को, लेकिन तब भी सफिशियंट है टू इफेक्ट द नेसेसरी चेंज इन इट। उतनी छोटा अमाउंट सफिशियंट होता है चेंजेस लाने के लिए, इफेक्ट लाने के लिए। द क्वांटिटी इज मिनिमम येट अप्रोप्रिएट फॉर अ जेंटल रिमीडियल इफेक्ट। क्वांटिटी मिनिमम है तब भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है जेंटल रिमीडियल इफेक्ट, एकदम ठीक करने के लिए किसी को।
बात समझ में आ रही है? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डोज लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसेस कॉल्ड पोटेंटाइजेशन. ये पढ़ेंगे अभी हम, पोटेंटाइजेशन, ठीक है ना? आगे टॉपिक आएगा जिसे हम ड्रग को पोटेंशलाइज करते हैं, कितनी मात्रा, ठीक है ना? आगे आते हैं, क्या कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिमम डोज हैज द फॉलोइंग एडवांटेज. मिनिमम डोज देने का आखिर एडवांटेज क्या है वो भी देख लें. टू अवॉइड अनवांटेड एग्रेवेशन, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा शरीर के अंदर. द स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन विच प्रोड्यूस द अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश सिम्टम्स ऑफ अ ड्रग इज प्रोड्यूस्ड बाय द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग. कह रहा था स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन विच प्रोड्यूसेस द अनकॉमन, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो प्रोड्यूस करता है अनकॉमन, जो कॉमन नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश सिम्टम्स ऑफ द ड्रग, ठीक है, इज प्रोड्यूस बाय द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग. मतलब जो एक खास ड्रग के इफेक्ट्स होते हैं, उसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. द स्मॉलनेस ऑफ द डोज डज नॉट अलाउ द ड्रग टू डू एनी ऑर्गेनिक डैमेज नॉट देयर इज एनी रिस्क ऑफ ड्रग एडिक्शन और ड्रग इफेक्ट. ऑर्गेनिक डैमेज हमारी बॉडी में अगर मिनिमम है तो बहुत कम चांस है कि वो कोई डैमेज करे जा करके, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है. ड्रग एडिक्शन का भी चांस नहीं है. जैसे आजकल कुछ जो हम लोग ब्रेन से रिलेटेड दवाइयाँ खाते हैं एलोपैथिक, उसको एकदम डॉक्टर छोड़ने को नहीं कहता, धीरे धीरे छुड़वाता है, अदरवाइज एडिक्शन हो जाता है ना? द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डोज कैन बी वेरीफाइड बाय आर्नड स्कोल्ज लॉ, ठीक है ना? इनके लॉ के द्वारा इसको वेरीफाई किया गया डैट क्या कहते हैं ये, स्मॉल डोजेस स्टिमुलेट, मीडियम डोजेस पैरालाइज एंड लार्ज डोज किल. ये कह रहा है कि स्मॉल डोज स्टिमुलेट करेगा, बॉडी को स्टिमुलेट करता है, ठीक करेगा. मीडियम डोज पैरालाइज, अगर डोज बढ़ा दी तो हो सकता है इंसान पैरालाइज हो जाए, बहुत ज्यादा डोज दे दी तो इंसान मर भी सकता है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो लार्ज डोज किल करती है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, द एक्शन ऑफ स्मॉल एंड वेरी लार्ज डोजेस ऑफ द सेम सब्सटेंस ऑन लिविंग मैटर इज अपोजिट. कह रहा है सेम सब्सटेंस का छोटा डोज और बड़ा डोज अपोजिट इफेक्ट दिखाता है. छोटी डोज ठीक कर रही है, बड़ी डोज किल कर देगी. क्लियर है बातें? आगे आते हैं. द लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन फॉर्मुलेटेड बाय मॉपरिटियस द फ्रेंच मैथमेटिशियन. लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन, ठीक है ना? क्या कहते हैं? स्टेट्स द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू अफेक्ट, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू अफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज द लीस्ट पॉसिबल. द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी, जो क्वांटिटी एक्शन करने के लिए जरूरी है टू अफेक्ट एनी चेंज, कोई चेंज लाने के लिए कुदरत में, इज लीस्ट पॉसिबल, ठीक है ना? वो कम से कम काफी है. द डिसीसिव अमाउंट, डिसीसिव मतलब एक निर्णायक अमाउंट, इज ऑलवेज मिनिमम एंड इन्फिनाइटी स्मॉल. बहुत छोटा अमाउंट ही काफी है, ठीक है ना? क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू अफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज द लीस्ट पॉसिबल. जो क्वांटिटी ऑफ एक्शन हमें लाना है, जिस मात्रा में हम एक्शन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, वो लाने के लिए लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ही काफी है. तो घुमा फिरा के बातें की गई हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें वैसी ही है, ठीक है? तो अब जो जिन्होंने बात कह दी है तो वो लैंग्वेज का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर ये लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है तो इसको थोड़ा सा अपना इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो. मैं फिर कह रहा हूँ, लकीर का फकीर नहीं बनना है, थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी सिंपल भाषा में इसे कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं ड्रग प्रूविंग. ड्रग प्रूविंग की बार बार बात चल रही थी, यानी कि हम कह रहे हैं ड्रग को प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं ना, प्रूफ मतलब सत्य साबित कर रहे हैं. तो आओ देखें जरा क्या है ड्रग की प्रूविंग में, क्या बातें हो रही हैं. तो कह रहा है, इन होम्योपैथी वी प्रिस्क्राइब ओनली दोज मेडिसिन हुज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर नोन थ्रू ड्रग प्रूविंग. हम वही ड्रग इस्तेमाल करते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमें पता हो. कैसे पता चलती है? ड्रग प्रूविंग के थ्रू. ड्रग प्रूविंग क्या, मैंने बताया था, सेम मेडिसिन को हेल्दी इंसान को दे दिया जाता है, उसके सिम्टम्स को नोट कर लिया जाता है, फिर हम प्रूव, हमारी ड्रग वो प्रूव हो जाती है. सिंपल सी कहानी है. ड्रग प्रूविंग इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनिक, ठीक है ना, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग ऑफ डिफरेंट एजेस बोथ सेक्सेस एंड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखो साफ साफ कह दिया, ड्रग प्रूविंग क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एक कायदा अनुसार हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. पैथोजेनिक पावर, डिजीज पैदा करने की जो क्षमता है किसी दवाई की, है ना, लॉ ऑफ सिमिलर्स याद आ गया, ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग ऑफ डिफरेंट एज, अलग अलग हर एज पे अलग इफेक्ट पड़ेगा. बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस की बात करेंगे, मेल फीमेल की, एंड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन,
कितनी कितनी मात्रा में कितने कितना इफेक्ट पैदा कर रहा है उसको हम नोट कर ले जाता है, यही हमारी ड्रग प्रूविंग होती है। दीज रिकॉर्डिंग्स ऑफ ड्रग प्रूविंग गिव द ओनली रिलायबल नॉलेज ऑफ मेडिसिन विच इज वेरी एसेंशियल टू क्योर डिजीज इन डिजीज होम्योपैथिकली। कह रहा है रिकॉर्डिंग्स ऑफ ड्रग प्रूविंग, हमने रिकॉर्ड कर लिया इस सेक्स में इस एज पे ये इफेक्ट आया, ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम लोग दवाई नहीं दे पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट हुई, रिलायबल है ये, रिलायबल मतलब इसको हम भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल नॉलेज है ये ऑफ मेडिसिन विच इज वेरी एसेंशियल टू क्योर, ये बहुत जरूरी है क्योर करने के लिए डिजीज को होम्योपैथिकली। अगर होम्योपैथिकली हमें ठीक करना है तो ड्रग प्रूविंग बहुत जरूरी है। डिफरेंट मेडिसिन मस्ट बी प्रूव थॉरोली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फुल डिटेल्स ऑफ देयर क्यूरेटिव प्रॉपर्टी। डिफरेंट मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन को प्रूव करना थॉरोली पूरा कायदे से बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी, उसकी ठीक करने की प्रॉपर्टी को भी समझ सकें। ड्रग मस्ट बी प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बींग बिकॉज ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही प्रूव होने चाहिए। क्यों? एनिमल्स डू नॉट गिव सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स। एनिमल्स के ऊपर, अच्छा इंसान के ऊपर क्या होता है, बीमार होता है तो दिमाग का भी थोड़ा सा हालत बिगड़ती है, एनिमल्स में ऐसा कुछ हम देख नहीं सकते। इफेक्ट ऑफ द सेम ड्रग ऑन एनिमल एंड ऑन ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। सेम ड्रग का इफेक्ट एनिमल्स पे और ह्यूमन्स पे अलग अलग है, तो इसीलिए हमें ह्यूमन्स पे ही करके देखना पड़ेगा। वी डू नॉट गेट द मॉडेलिटीज एंड फाइनल सिम्टम्स इन एनिमल प्रूविंग। हम जो ड्रग के असली के तौर तरीके किस तरह इफेक्ट करता है मॉडेलिटीज और उसके जो सिम्टम्स एकदम बारीक सिम्टम्स हैं उनको हम एनिमल के ऊपर प्रूव करके उसे हम चेक नहीं कर सकते हैं, उसे हम फिर हम ह्यूमन पे ट्राई नहीं कर पाएंगे, मतलब ह्यूमन के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं अगर हम प्रूविंग एनिमल्स पे करते हैं। तो ड्रग प्रूविंग का मतलब एक ही चीज हो गई, बड़ा सिंपल सा हो गया, वही ड्रग जो बीमारियां पैदा करती है तो पहले हम उसे हेल्दी इंसान को देंगे, बीमारियां पैदा होंगी उसके सिम्टम्स लक्षण दिखाई देंगे हमें, फिर उसको हम नोट कर लेंगे और आगे पास करते चलेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इसी तरीके से हमारी होम्योपैथी क्रिएट हुई है। नेक्स्ट, ड्रग डायनामाइजेशन और पोटेंटाइजेशन, है ना, ड्रग की क्षमता। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द मेडिसिनल प्रॉपर्टी विच आर लेटेंट, लेटेंट मतलब जो छुपी हुई है इन नेचुरल सब्सटेंस के अंदर वाइल इन देयर क्रूड स्टेट, ठीक है, बिकम अवेकेंट, वो प्रॉपर्टी जगा दी जाती है एंड डेवलप कर दी जाती है इनटू एक्टिवली, है ना, उसको एक्टिव कर दिया जाता है टू एन इनक्रेडिबल डिग्री। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय डिग्री, मतलब इतना ज्यादा उसे बढ़ा देते हैं हम लोग कि वो दवाई अब क्या करती है, लोगों को ठीक करना स्टार्ट कर देती है। तो सीधी सी बात कर रहा है, जो नेचुरल सब्सटेंस है जिनकी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी छुपी हुई है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी अभी छुपी हुई है क्रूड के अंदर, ठीक है, क्रूड मतलब अपना रॉ मटेरियल था, उसको हम लोग किसी तरीके से जगाते हैं कि अब तुम चीजों को ठीक करोगे, ठीक है, एंड इनक्रेडिबल बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी हम क्षमता को बढ़ा देते हैं कि अब वो लोगों को ठीक करने के लायक हो जाए। कौन? मेरा क्रूड नेचुरल सब्सटेंस। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज, होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन इज अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस, मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस है फॉर द रिडक्शन, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए अकॉर्डिंग टू स्केल ऑफ क्रूड इनर्ट और पॉइजनस मेडिसिनल सब्सटेंस टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल सॉल्युबिलिटी, फिजियोलॉजिकल एजिबिलिटी एंड थेरेप्यूटिक एक्टिवली एंड हार्मलेस फॉर यूज एज ए होम्योपैथिक हीलिंग रेमेडीज। अब बहुत लंबी बात बोल दी इन्होंने, समझते हैं, इन्होंने क्या कहा, होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन इज ए मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस, मैथमेटिक और मैकेनिकल प्रोसेस है फॉर द रिडक्शन, उसे रिड्यूस करना है, ठीक है, रिडक्शन करना है, सॉरी रिडक्शन, यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग, ब्लैक कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉर द रिडक्शन अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल जो हमारा माप है उसके हिसाब से उसे रिड्यूस करना है, उस स्केल में लेके आना है, ऑफ क्रूड, किसको, जो हमारा क्रूड है इनर्ट है अभी तक उसका कोई क्या था पुराने से करना, तो यानी कि क्रूड है इनर्ट है, इनर्ट मतलब अभी तक एक्टिव नहीं है, वो कौन, हमारा नेचुरल ड्रग, और पॉइजनस हो सकता है, पॉइजनस हो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में पॉइजनस हो, लेकिन हम उसको प्रोसेस करके पोटेंटाइज करके अब ड्रग में बदल रहे हैं, मेडिसिनल सब्सटेंस टू ए स्टेट ऑफ फिजिकल, इसको हम लोग किस में लेके जा रहे हैं, फिजिकल सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल करेंगे, फिजियोलॉजिकल एजिबिलिटी, हमारी बॉडी में वो क्या हो जाए, एजिमुलेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और हमको ठीक करे, एंड थेरोपेटिक एक्टिविटी और ठीक करे, है ना, हमारी बॉडी उसको एजिमुलेट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और थेरोपेटिक एक्टिविटी वो दवा दिखा सके, एंड हार्मलेस फॉर यूज ऑफ होम्योपैथिक हीलिंग। तो सीधी सी बात इन्होंने क्या कह दी है, जो हमारी दवा है नेचुरल उसको हम रिड्यूस करते हैं स्केल के हिसाब से, जो कि क्रूड स्टार्टिंग में कैसी है, क्रूड है इनर्ट है या पॉइजनस भी हो सकती है, उसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं उस सब्सटेंस को कि वो सॉल्युबल हो जाए, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, एसिमिलेट हो जाए और थेरेप्यूटिक
एफिकेसी दिखा सके, हमारे बॉडी में इफेक्ट दिखा सके और हार्मलेस हो जाए। बात समझ में आ जाए, बात समझ में आ गई, क्लियर है? आगे आते हैं। ड्रग्स आर पोटेंटाइज बाय टू मेथड, दो मेथड से हम इसे पोटेंटाइज करते हैं, ट्राइट्यूरेशन और सक्यूशन। इन केस ऑफ इनसोल्युबल सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस मेरा इनसोल्युबल है, क्योंकि सोल्युबल हम लोग इसकी बात कर लेंगे सक्यूशन की, इन केस ऑफ सोल्युबल सब्सटेंसेस, दोज ड्रग दैट आर सोल्युबल इन अल्कोहल और वाटर, ठीक है ना, दो में सोल्युबल कर रहे हैं हम लोग अल्कोहल में वाटर, आर सीरियली डायल्यूटेड, डायल्यूट करते हैं, डायल्यूट मतलब बताया था मैंने 10 ml लिया, उसमें क्या डाला 10 ml पानी डाल दिया, फिर उसमें से हमने एक बूंद ली, फिर उसमें 10 ml पानी डाल दिया, सोचो कितना डायल्यूट हो गया, वो दवा बहुत ज्यादा डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, सीरियली डायल्यूटेड। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा बता दूं मैं, देखो जैसे कि ये था, इसमें मेरे पास सपोज 1 ml दवा थी, मैंने 10 ml पानी डाल दिया, अब इसमें से फिर 1 ml ले लूंगा मैं और इसमें 10 ml पानी मिला दूंगा, सोचो कितना कम हो गया, फिर इसमें से 1 ml लूंगा, फिर इसमें 10 ml पानी डालूंगा, तो सोचो कितना, मतलब दवा जो है डायल्यूट होती चली जा रही है, ठीक है। डायल्यूशन इज फॉलोड बाय विग्रस शेकिंग, हिलाते हैं, विच अलाउ यूनिफॉर्म मिक्सिंग, जिससे कि ड्रग अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जो सॉल्युबल है तो अच्छी बात, जो सॉल्युबल नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, दोज ड्रग विच आर नॉट सॉल्युबल इन मीडिया, मीडियम मतलब वाटर और उसमें अल्कोहल में, आर थोरोली ग्राउंडेड विद लैक्टोज, पीस पीस के चूरा करके मिला लेते हैं इन ए सीरियल ऑर्डर, ठीक है ना। नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है पोटेंटाइजेशन का ऑफ होम्योपैथी, आर टू रिड्यूस द मेडिसिनल सब्सटेंस, हम चाहते हैं कि जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की बहुत कम हो जाए, विच हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड मेडिसिनल एग्रीवेशन एंड साइड इफेक्ट, जिससे कि उसके साइड इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। होम्योपैथी बिलीव दैट वाइटल फोर्सेस इज डायनेमिक इन नेचर, वाइटल फोर्स पता ना हमारे को जो जिंदा रख रहे हैं, जिसमें हमारा एनर्जी आ जाएगी, मेटाबॉलिज्म हीट आ जाएगी, ठीक है, वाइटल फोर्स इज डायनेमिक इन नेचर एंड दैट इज अफेक्टेड बाय डिजीज, ये जो हमारी वाइटल फोर्स होती है, हमारी बॉडी की एनर्जी जो होती है डिजीज के द्वारा अफेक्ट कर जाती है, कैन ओनली बी क्योर्ड बाय डायनेमिक पावर ऑफ सर्विसिएबल मेडिसिन, जो दवाई की डायनेमिक पावर होती है उसी के द्वारा हमारी वाइटल फोर्स ठीक हो सकती है, नॉट बाय इट्स मटेरियल क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि हाँ भर के दे दिया ड्रग्स उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ड्रग अगर अपनी पूरी क्षमता दिखाएगा तो थोड़ा सा ड्रग ही काफी है, ठीक है। तो जो पावर ऑफ सर्विसिबल मेडिसिन, जो सर्विसिबल मेडिसिन है, जो दवा अपनी असर दिखा सकती है, उसकी वजह से हमारे वाइटल फोर्स ठीक होंगे, हमारी एनर्जी ठीक होगी, ना कि उस दवा की क्वांटिटी की वजह से। बाय दिस प्रोसेस द मोस्ट वायरुलेंट एंड डेडली पॉइजन, ऐसी कुछ सब्सटेंस होते हैं जो अगर ज़्यादा खा लिए जाएं तो इंसान की मौत है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में वो दवाई का काम करते हैं, ठीक है। तो कह रहा मोस्ट वायरुलेंट, जो बहुत ज़्यादा कह रहे सकते हैं कि वायरस फैलते हैं, दवाई बीमारी फैलाते हैं, और डेडली पॉइजनस, तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं, और नॉट ओनली रेंडर्ड हार्मलेस, इनको हम हार्मलेस ही नहीं बनाते हैं, बट आर आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बेनिफिशियल हीलिंग रेमेडी, बट हम उसको बेनिफिशियल रेमेडीज अच्छी दवाइयों में भी कन्वर्ट कर लेते हैं पोटेंटाइजेशन करके, समझ रहे हो, डेडली चीज़ों को भी हमारे लिए बेनिफिशियल बना लिया जाता है। सब्सटेंस विच आर मेडिसिनली इनर्ट, जो मेडिसिनली इनर्ट है, शुरुआत में पता तोड़ा इसका मतलब क्रूड फॉर्म में है, उसका कोई इफेक्ट नहीं बॉडी के ऊपर, इन देयर क्रूड नेचुरल स्टेट, अपने नेचुरल स्टेट में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, आर दस रेंडर्ड एक्टिव, उनको हम एक्टिव करते हैं एंड इफेक्टिव बनाते हैं फॉर हीलिंग द सिक, ताकि बीमार को ठीक कर सके, किसके द्वारा, पोटेंटाइजेशन करके। द मेडिसिनल क्वालिटीज ऑफ अदर ड्रग्स विच आर मोर और लेस एक्टिव इन देयर नेचुरल स्टेट आर एनहेंस्ड, जो उसकी मेडिसिनल क्वालिटी होती है ना, उसकी जो मेडिसिनल क्वालिटीज होती है जिससे वो ठीक करता है लोगों को, वो बढ़ा दी जाती है, इन्हेंस की जाती है, एंड देयर स्फीयर ऑफ एक्शन इज ब्रॉडन, उसको ठीक करने का दायरा है वो बढ़ा दिया जाता है बाय दिस प्रोसेस, यानी प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। क्लियर है बातें, चले आगे। ओके, प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज, हम लोग देखो किस तरीके से पोटेंटाइजेशन करते हैं, तो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो पोटेंशियल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 3 डिफरेंट स्केल्स लाइक डेसिमल स्केल, सेंटीसिमल स्केल और मिलीसिमल स्केल। तो डेसिमल स्केल में क्या है, दिस स्केल वॉज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटिव बेरिंग, इन दिस स्केल द फर्स्ट पोटेंसी शुड बी कंटेन 1/10 ऑफ द ओरिजिनल ड्रग, जो ओरिजिनल ड्रग होता है उसको 1/10 कर दिया, मतलब उसमें मान लो 10 ml पानी मिला दिया, द सेकेंड पोटेंसी विल कंटेन 1/10 ऑफ द फर्स्ट पोटेंसी, इस 1/10 में से 1 ml लिया, उसमें फिर 10 ml पानी डाल दिया, एंड सो ऑन,
इस तरह से हम उसे क्या करते जा रहे हैं, पोटेंटाइज करते चले जा रहे हैं, डायल्यूट करते चले जा रहे हैं। द पोटेंसी इन दिस स्केल इज डिनोटेड बाय सफिक्सिंग एक्स। हम लोग कैसे पता करते हैं, उसको 110 नहीं लिखते हम x लिखते हैं, टू द नंबर इंडिकेटिंग द पोटेंसी, दैट इज फर्स्ट पोटेंसी 1x। पहली बार जो 110 करेंगे तो 1x, इस 110 में से भी 1 ml निकाल के फिर उसमें 10 ml पॉइंट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2x, 3x एंड सो ऑन। तो बात समझ में आ रही है किस तरह से कर रहे हैं। पहले हमने 1 ml ड्रग लिया, उसके अंदर 10 ml पानी या अल्कोहल डाल दिया, अब इसमें से 1 ml लेके फिर से 10 ml डाला, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया x, ये हो गया 2x, फिर 3x, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। सेंटीसीमल, इसमें 10 ml डाल देते, इसमें 100 ml डाल देंगे, इतनी सी कहानी, इसमें ज्यादा कर देते हैं। इन दिस स्केल द फर्स्ट पोटेंसी शुड बी कंटेन 100 ऑफ द ओरिजिनल ड्रग एंड द सेकंड विल कंटेन 100 ऑफ द फर्स्ट पोटेंसी, जो इसमें से भी 1 ml लेके उसमें फिर 100 ml पानी डाल देंगे एंड सो ऑन। द पोटेंसी इन दिस स्केल इज डिनोटेड बाय, द पोटेंसी इन दिस स्केल इज डिनोटेड बाय सफिक्सिंग द लेटर सी। यहां पर हम लोग लेटर सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे x का मतलब 10 होता है, टू द नंबर इंडिकेटिंग द पोटेंसी। इन प्रैक्टिस इट इज जनरली डिनोटेड बाय अ सिंपल न्यूमेरिकल 1c, ठीक है, इक्वलेंट टू 2x, है ना। 10 × 10 करते हैं, 1/10 × 1/10 तो 100 हो गया ये, एंड 2c पोटेंसी इक्वलेंट टू 4x एंड सो ऑन। क्लियर है, ये बातें समझ में आ रही है। मिली मिले सिमल स्केल, इन दिस स्केल द फर्स्ट पोटेंशियल शुड कंटेन 1/50,000। बस में यही अंतर आ गया, पहले में 10 था, 100 था, 50,000 है, अगली में उसका भी 50,000 कर देंगे ऑफ द फर्स्ट पोटेंशियल एंड सो ऑन। पोटेंशियल इन दिस स्केल इज डिनोटेड बाय 1, 2, 5 और x एटसेट्रा, और 0/1, 0/2, 0/5, 0/10 एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, पहले में 10 था, इसमें 100 था, इसमें कितना है 50,000 है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी थ्रू ट्राइट्यूरेशन इज मेड बाय आइदर डेसिमल और सेंटीसीमल, ठीक है ना, जो ट्राइट्यूरेशन के द्वारा पोटेंसी बढ़ाई जाती है वो डेसिमल और सेंटीसीमल के द्वारा बढ़ाई जाती है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसी थ्रू सक्सेशन इज मेड बाय डेसिमल और सेंटीसीमल और मिलीसीमल, इसमें तीनों का इस्तेमाल हो जाता है, और जो ट्राइट्यूरेशन था उसमें सिर्फ 2 का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है, तो देखें जरा वाइटल फोर्स क्या है। Vital force, it is homeopathy which stresses the existence and operation of the vital force in a living organism. ये कहते हैं कि हमारे अंदर जीवित चीजों के अंदर vital force exist करती है और operate होती है, चलती है। The human organism is triune entity. तीन गुणों से मिली हुई एक body होती है हमारी, यानी हमारी body तीन गुणों से मिलकर बनी है। किस किस से? एक तो body खुद, body होती है, mind होता है और spirit हमारी soul. तीन चीजों से मिलके हमारा एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ होता है। द स्पिरिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ वॉज टर्म बाय डॉक्टर हैनमैन एज वाइटल फोर्स। जो स्पिरिट है, कह लो हमारी आत्मा कह लो या एनर्जी कह लो, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे फॉर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब अलग अलग चीजों को किस तरह से हमको रिएक्ट करते हैं, कि बीमार हैं, सुस्त हैं, ढीले हैं, एक्टिव हैं, ये स्पिरिट की वजह से होता है। तो हैनमैन स्पीक्स ऑफ द वाइटल फोर्स इन एफोर्सिन 10 ऑफ हिज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एस। उन्होंने सुक्ति 10 में कहा है अपनी बुक में, द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स, हमारी बॉडी कैसे मटेरियल की बनी हुई है, अगर उसमें वाइटल फोर्स ना हो, यानी कि स्प्रिट ना हो, ठीक है, इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, उसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा, अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। इट ड्राइव्स ऑल सेंसेशन एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ सोली बाय मींस ऑफ द इमेटेरियल बीइंग द वाइटल फोर्स। वो अपने लाइफ के सारे सेंसेशन, सारे जो फीलिंग्स हैं, सारी जो फंक्शंस हैं, वो इमेटेरियल जिसको हम छू नहीं सकते हैं, यानी कि वाइटल फोर्स के द्वारा करती है, विच एनिमेट द मेटेरियल ऑर्गेनिज्म इन हेल्दी एंड डिजीज। और ये वाइटल फोर्स है, यही एनिमेट करती है मटेरियल ऑर्गेनिज्म, जो हम मटेरियल के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, कि हम हेल्दी हैं कि डिजीज हैं, इसके लिए वाइटल फोर्स ही कौन है, रिस्पॉन्सिबल है। इन हेल्दी कंडीशन इट इज वाइटल फोर्स विच मेंटेन नॉर्मल फंक्शन। हेल्दी कंडीशन में वाइटल फोर्स ही होती है जो हमको नॉर्मल फंक्शंस में मेंटेन रखती है और सेंसेशन में ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट व्हेन द वाइटल फोर्स इज प्राइमरीली डायनेमिकली डिरेंज्ड, अगर वाइटल फोर्स प्राइमरी तौर पे डायनेमिकली डिरेंज हो जाए, डिरेंज मतलब खराब हो जाए या काम ना करे, बाय मॉर्बिफिक रोग उत्पन्न करने वाला इन्फ्लुएंस, है ना, डिजीज पैदा करने वालों की वजह से ये डिरेंज हो जाए, इट कॉजेज एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शंस। ये एबनॉर्मल असाधारण सेंसेशन
दर्द होने लगेगा, अजीब अजीब सी हरकत होने लगती है बॉडी के अंदर, और फंक्शंस विच आर मैनिफेस्टेड आउटवर्डली थ्रू, जो बाहर की तरफ हमको दिखाई पड़ते हैं, द मटेरियल बॉडी दिखाती है अगर हम लोग कैसे हो गए, बीमार हो गए। और तो ये बाहर जब बीमार हो जाते हैं जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण भी वाइटल फोर्स ही दिखा रहा है। एज एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स द टोटलिटी ऑफ विच कंस्टिट्यूट द डिजीज, और वो सारे लक्षण मिलकर क्या बनाते हैं, डिजीज बनाते हैं। बट वेन द वाइटल फोर्स इज डिरेंज, तो ध्यान रखना अगर वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाए, भटक जाए या बीमार, वो एक तरह से कह लो कि एनर्जी हमारी कम हो गई या खराब हो गई, ऑर्डर उसका बिगड़ गया, तो फिर डिजीज वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। अगेन इफ अ क्योर इज टू बी एस्टेब्लिश, अगर हमें क्योर करना है, इट इज द वाइटल फोर्स, ये वाइटल फोर्स है डेट मस्ट बी अराउज इट सेल्फ, वाइटल फोर्स को वापस से अपने आप को जगाना पड़ेगा, और बी अवॉइडेड टू अराइज फॉर द रिकवरी, उसको वापस जागना पड़ेगा ताकि रिकवरी हो सके। इफ द वाइटल फोर्स इज टू डिबिलिटेटेड, अगर वाइटल फोर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है एंड एग्जॉस्ट, वो थक चुकी है, देन नो मेडिसिनल एड इज ऑफन हेल्प इज ऑफ हेल्प, अगर वो वाइटल फोर्स हमारी बेकार हो गई है तो जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, जैसी मर्जी दवाई खा लो, आप ठीक नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है, चले आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। तो यह सिंपल सा कहानी है, सबको पता ही है, डिजीज को दो कैटेगरी में डाला गया है डिपेंडिंग ऑन देयर ऑनसेट, नेचर ऑफ प्रोग्रेस एंड टर्मिनेशन ऑफ डिजीज, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट कैसी होती है, यह मेंशन नहीं किया है, एक्यूट होती है जो बहुत तीव्र होती है, क्रोनिक जो बहुत लंबे समय तक होती है, लिख लो इसको, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, सो द डिजीज अफेक्टिंग इंडिविजुअल, तो जो डिजीज इंडिविजुअल को अफेक्ट करेंगे कैन नेवर बी द सेम, तो वो भी सेम नहीं होंगी। तो दो डिजीज, भले ही दोनों को एक ही बीमारी है, लेकिन वो उनके सिम्टम सेम नहीं होंगे। एज्यूमिंग द यूनिक इंडिविजुअल पिक्चर, अब ये हम बहुत ही मानता है कि हर किसी एक अपना अपना इंडिविजुअल है, सबके अपने अपने गुण होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। इन ईच डिजीज इंडिविजुअल, भले ही सेम बीमारी है लेकिन जो लक्षण आएंगे वो हर दोनों में थोड़े से अलग अलग आते हैं, थोड़े अलग अलग पक्का होंगे। दस मेडिसिन कैन नेवर बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इसीलिए यहाँ पर हम केवल ये नहीं कहते अच्छा तुम्हें भी टाइफाइड है, तुम्हें भी टाइफाइड है और दोनों को एक दो, ऐसा नहीं। नेवर बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द डिजीज, केवल बीमारी के नाम के आधार पर हम दवाई नहीं देते हैं, विदाउट इंडिविजुअलाइजिंग ईच केस ऑफ डिजीज। तो होम्योपैथी में बहुत जरूरी है हम केवल जाएं और बोलें टाइफाइड की दवा दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें मरीज को देखना पड़ेगा, उसके क्या लक्षण है वो समझने पड़ेंगे, तब जाकर के उसको फिर दवाई दी जाती है। डायरेक्शन ऑफ क्योर, ये बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ पे वो बोलता है डॉक्टर हेरिंग ने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ क्योर इन होम्योपैथी, क्योर किस तरफ से होगा, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ, फ्रॉम मोर वाइटल ऑर्गन टू लेस वाइटल ऑर्गन, सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी ऑर्गन है वो ठीक होंगे, फिर बाद में जो कम जरूरी ऑर्गन है वो ठीक होंगे। इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं बीमारी के वो रिवर्स में दिखाई देते हैं, पहले जो लेस वाइटल ऑर्गन होंगे फिर मोर वाइटल ऑर्गन मतलब डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे सिम्टम्स। बात समझ में आ रही है, तो ये थी हमारी होम्योपैथी के कुछ खास खास प्रिंसिपल, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए, जो हमारे कोर्स में थे। तो तुम लोगों को इसको क्या कर लेना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, थोड़े से टर्म्स इसमें वो हैं, कहते हैं नए नए से आ रखे हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें। ऑल द बेस्ट।